की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर देहरादून से, जोशीमठ भूधसाव पर राजधानी में बैठक जारी है। बड़ी बैठक सीएम की अध्यक्षता में की जा रही है और मुख्य सचिव, सचिव आपदा प्रबंधन समेत कई अधिकारी इस बैठक में शामिल है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जोशीमठ में भूधसाव पर राजधानी में बड़ी बैठक हो रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले को लेकर सीएम धामी एक्शन मोड में है और कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को उन्होंने जारी किया है। मुख्य सचिव, सचिव आपदा प्रबंधन समेत कई अधिकारी इस बैठक में शामिल है और खतरे की जद में आए मकानों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। किराए के मकान में रहने के लिए 4,000 हर महीने की मदद दी जाएगी, साथ ही अगले 6 महीने तक लोगों की मदद की घोषणा की गई है। सीएम राहत कोष से सहायता राशि ये लोगों को दी जाएगी और तत्काल सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी बातें, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते सीएस, सचिव आपदा प्रबंधन इस बैठक में मौजूद है और तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास केंद्र बनाए गए और सीएम धामी इसे लेकर बैठक कर रहे हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और डेंजर जोन को खाली करवाने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। और जोशीमठ में भूधसाव की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है और आखिर ये क्यों हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए चलिए अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो क्यों धस रहा है जोशीमठ, जिससे लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ रही है। तपोवन विष्णु जलगढ़ की वजह से भी एक कहीं ना कहीं है और साथ ही आपको बताते चले, जो अंधाधुन कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसकी वजह से भी लोगों को भूधसान की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है। शहर की जो कमजोर नींव है इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को भूधसाव की जो समस्या है उनके पास आ रही है। तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाओं में टनल बन रहा है तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है। साथ ही अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की वजह से भी जो भूधसाव जो है उसकी समस्या जो ये लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अब चलिए इसे लेकर जोशीमठ बचाने की कवायद क्या की जा रही है, इसे लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, सीएम धामी इसे लेकर बैठक कर रहे हैं और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इस पर पूरी तरह से फोकस है और सीएम धामी इसे लेकर बैठक कर रहे हैं। एशिया के सबसे लंबे रोपवे का जो निर्माण चल रहा है और जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। तो बताते चले आपको कि लगातार जो है वो सीएम धामी इस पूरे मामले को लेकर बैठक करें और संवाददाता सुरेंद्र डसिला हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ गया है। और सुरेंद्र, सबसे पहले बताइए क्या कुछ अपडेट है और जो आप बताते चले कि अभी सीएम धामी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही, तो सबसे क्या अपडेट क्या है पहले वो बताएं। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री की जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, तमाम अधिकारी बैठक से जा चुके हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री चतुर्थल से नीचे सचिवालय में यहाँ पहुंचेंगे और वो बताएंगे कि उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। देखिए अभी तक अगर बात की जाए तो 550 से ज्यादा मकान है जो अब तक जद में आए हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं जो खतरे की जद में, जिनके घर हैं जो या तो ऐसे घर हो चुके हैं जिनमें लोगों को रखना मुश्किल होगा या फिर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं, उन लोगों को किराए के मकान पर रहने के लिए एक तो 4,000 रुपये प्रति माह अगले 6 महीनों के लिए ये व्यवस्था की जाएगी। 4,000 प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनेंगे जो NTPC और SCC को, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहा गया है कि 2,000 प्री फैब्रिकेटेड हट्स आप बना के तैयार रखें। और इसके साथ ही SDRF के 50 जवान फिलहाल वहां तैनात किए गए हैं जिनका ये काम होगा कि रात में ये लोग गश्त लगाएंगे जो ऐसे क्षेत्र हैं जो सेंसिटिव हैं, जो डेंजर जोन है, जहां पर लगातार भूस्खलन बढ़ रहा है, उनकी स्थिति क्या है और कितना ज्यादा वो बढ़ रहा है उस पर ये लोग नजर रखेंगे। कल खुद मुख्यमंत्री देहरादून से करीब 11:50 पर रवाना होंगे जोशीमठ के लिए और जोशीमठ में जो स्थिति है उसका निरीक्षण भी वो करेंगे। आज अधिकारियों ने डिटेल उनको जानकारी दी है किस तरह की चीजें अब तक हुई। ठीक है सुरेंद्र, देखिए सीएम धामी इसे लेकर बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र भी जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे, जानेंगे, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। धीरेन्द्र, आप ग्राउंड जीरो पर गए, क्या कुछ तस्वीरें जो आप देख पाए और क्या कुछ जानकारी वहां पर लोगों के द्वारा? Thank you.
देखिए यहाँ अभी अधिकारी जरूर पहुंचे हैं, ऊपर आपदा सचिव रंजीत हैं, डीएम हैं खुराना, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं, और एसडीएम एडीएम है वो इस समय रात में। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ रुके हुए हैं। इन तमाम लोगों को वहां से जहाँ इनके घर थे वहां से इस जगह पर एक कमरे के अंदर तमाम परिवारों को, हर एक परिवार को सिर्फ एक कमरा दिया गया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कई सारों में 6 मेल या फीमेल मेंबर हैं, फिर उनके छोटे बच्चे भी हैं, वो सब है। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या है, मतलब आपको क्या इस समय जब आप रात में रह रहे हैं तो कैसे परिवारों को रोका कैसे गया, कितने क्या सुविधा आपको दी गई? सुविधा तो बिल्कुल जैसे घर के जैसी नहीं है, घर से तो बेघर हो ही चुके हैं। बड़े बड़े सपनों के साथ हमने अपने घरों को संजो के संवार के बनाया था, और आज ये स्थिति आई। ये पूरे भूदशाओं जो हुआ जोशीमठ में एनटीपीसी टनल के कारण हुए हैं, और भूदशाओं के कारण हमको सिर्फ एक एक, एक कमरे दिए गए हैं। अब जो हमारे पहाड़ की रीति नीति चलती है, बहू बेटी बहन सास ससुर जेठ, ये मतलब एक कमरे में रहने लायक है। हम कैसे अपने महिलाएं अपने वस्त्र को चेंज करें, किस प्रकार के आप नहाने धोने का वो पूरी व्यवस्था करें, किचन की व्यवस्था नहीं। भाई क्या सरकार क्या कह रही है अभी आप लोग? सरकार तो आश्वासन तो दे रखा कि भाई हो जाएगा सब कुछ, तो हम भी इसी विश्वास में है। तो देखो अभी क्या क्या होता है, अभी मीटिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है। आप लोगों ने किस वक्त घर छोड़ा, मतलब कैसे, मतलब दरारें आई तो उस वक्त क्या रात में सो रहे थे आप लोग या कैसे? आज से लगभग 4 दिन पहले हम लोग सोए हुए थे, और अचानक मोहल्ले में लोग इधर उधर भागने लगे, और अजीब सी आवाज आने लगी, और ऊपर से होटलों के शीशे चढ़कने लगे, और जिससे हम लोगों की नींद खुली और हम रोड में रात भर जागते रहे। और रात भर किसी तरह से फिर 5 बजे उठे हम सब लोग, फिर इकट्ठे हुए, और फिर इधर प्रशासन तब तक पहुंच चुका था। रावत जी एक फौजी रहे हैं, पूरी जिंदगी देश की सीमा के लिए लड़े, और अब यहाँ ये आखिरी लड़ाई उसमें लड़ रहे हैं जब जिसमें इनका कोई भी धीरेन्द्र, देखिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट की टीम पहुंची, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर है? और जाहिर तौर पर जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो सर्वे की टीम है, सर्वे की टीम अभी क्या कर रही है जरा ये बताएं। मकान दूसरे मकान पर चिपक गए, मतलब देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि रावत जी जो अपनी स्थिति बता रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्थिति और भी दिक्कत की इसलिए है कि मैं आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, ये ऑन पे है यहाँ तमाम चीजें। एक परिवार में 4 महिलाएं भी हैं, माता जी भी हैं साथ में, वो बहू, आप तीनों इस परिवार की बहू हैं क्या है? हाँ, देवरानी। अच्छा, ये पड़ोसी हैं। अच्छा, तो यहाँ इसमें इसी कमरे में? हाँ, सब यहीं। कोई ससुर जी तो नीचे सो गए थे कल, जमीन में सो गए थे। हाँ, नीचे बिस्तर लगा के सोना पड़ता। आप यहाँ जमीन पे सो रहे? हाँ, ससुर जी नीचे सो गए थे, फिर सभी को ऐसे ही एडजस्ट करके सोना पड़ रहा है, छोटे बच्चे हैं ऐसे एडजस्ट करके सो रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए इससे बड़े मतलब किस तरह से हम लोग हालात तो वहाँ के मकानों के आपको दिखाई चुके कहाँ, और ये उनकी दोनों जो बहू हैं उनकी सास ये हैं, वो कहाँ, आप भी, आपको भी कल जमीन पे ही सोना पड़ा? जी, जमीन पे नहीं सोए, वो राव जी नीचे सोए। अच्छा। हम सब बहू बेटे सब सोए, ये पोती, ये आपकी पोती, भेड़ बकरियों की तरह। हाँ, यही है पोती, 6 महीने की पोती। 6 महीने की जी। और आप लोग जब रात में गड़गड़ाहट हुई तो सब लोग सड़कों पे आ गए? सब लोग सड़कों पे नहीं आए, हमने देखा इधर उधर मोहल्ले में क्या हल्ला जैसा हो रहा, सूर ऐसी नींद में उठे तो इधर उधर देखा, फिर ऊपर छत पे गए छोटी बच्ची को लेके, फिर सुबह के 5 बजे कमरे में घुसे था। अच्छा, आपको लगता है कि कम से कम 2 कमरे तो कम से कम मिलने चाहिए ताकि कम? हाँ बेटा, क्या करें हम, भेड़ बकरियों की तरह ऐसे कैसे रहेंगे, इतनी फैसिलिटी में इतने सारी जिंदगी की कमाई को वहीं लगाया, अब हम बहुत निराश हो चुके। इसी कमरे में आपको दिखेगा रजना कि इसी कमरे में यही बस लेके आ सके हैं वहाँ से, जहाँ पूरे घर में टूट हो रही है, क्योंकि जो जरूरत का सामान है आप वही लेके निकले हैं, इसके अलावा बाकी तमाम सामान आपको वही छोड़ना पड़ा है। ये एक घर के हालत है, और ये यहाँ मैं जहाँ
खड़ा हूँ यहाँ इस वक्त, जहाँ टेम्परेचर अब थोड़ी देर बाद माइनस में चला जाएगा, वहां कुछ लोग सिर्फ आग इस तरह से तापते रहेंगे, कुछ लोग ताकि रात इस तरह से कट सके, क्योंकि उस कमरे के अंदर तो पूरा परिवार नहीं होगा। हाँ, हालांकि इस वक्त ऊपर इसी बिल्डिंग के ऊपर मीटिंग भी चल रही है, जिसमें आपदा सचिव है, जो मैंने बताया जो डीएम है, इसके अलावा तमाम, चूंकि अभी तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो ये जरूर कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर निरीक्षण किया जा रहा है और कितने परिवार इसकी जद में आए, उनको कहां रुकाया जा सकता है, ये एक हिस्सा है। इसके बाद एक इंटर कॉलेज में रुकाया गया है, इसके अलावा गुरुद्वारे में रुकाया गया। इस तरह से तमाम ये जो परिवार है, लगभग अब ये संख्या बढ़ती जा रही है, पहले जितना 555 था, अब सर्वे, अलग सर्वे इसको 700 तक पहुंचा रहा है, यानी जो दरारें थी वो और ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं और कुछ नए हिस्सों में दिख रही हैं। तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये टनल का काम चला, एनटीपीसी का काम है, इससे पहले जेपी का काम है, इसके अलावा जो बाईपास पर आउटर बाईपास है, वो तमाम चीजों पर जितना ज्यादा निर्माण कार्य हुआ उसने इस फ्रेजाइल पहाड़ को दिक्कत में ला दिया। और जोशीमठ जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक तीनों दशाओं में बहुत इम्पोर्टेंट सिटी माना जाता है, सबसे अहम शहर माना जाता है, उसकी यहाँ आपको दिखाई देगा। जी बाकी धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहे, दर्शकों की जो प्रतिक्रिया आप हमें सुना रहे थे, हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीना भी लगातार बने हुए। सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की जो मदद है वो लोगों को पहुंचाने की बात कही जा रही, तो धरातल पर क्या तस्वीरें अभी दिख रही है, क्या लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच रही है? देखिए, सुविधाएं धरातल तक तो धीरेन्द्र जी ही बता पाएंगे, क्योंकि वो जोशीमठ में मौजूद हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर सरकार के स्तर पर आप पूछ रही हैं तो मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, बैठक वो खत्म हो चुकी है और बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, हाई लेवल बैठक थी, इसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे और यही मुख्यमंत्री ने जाना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को रिहैबिलिटेट करेंगे, लोगों को अगर उन लोगों के घर पूरी तरह से टूट रहे हैं तो उनके लिए नए घरों की क्या व्यवस्था होगी, उनके भोजन की व्यवस्था क्या है और वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ है। जैसा मैंने बताया कि एसडीआरएफ की टीम रात में गश्त लगाएगी और ये गश्त होगी कि किस जगह पर रात में क्या कोई भूस्खलन होता है, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत है। अब बड़ी चुनौती इसलिए हो जाएगी क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है, ठंड वाला क्षेत्र है और इस बीच में अगर अगले कुछ दिनों में बर्फबारी होती है तो और ज्यादा नुकसान होगा और ज्यादा दिक्कतें होंगी। हालांकि सरकार ने कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया है, एनटीपीसी की जो काम चल रहा था विष्णुगढ़ परियोजना का, उसको रोका गया है। हेलंग में जो बाईपास बन रहा था ऑल वेदर रोड का, उसको रोका गया है, इसको बीआरओ कर रहा था, तो ये कंस्ट्रक्शन के जो बड़े काम है ये रोके गए हैं। इसके अलावा जोशीमठ से औली का जो रोपवे है उसको रोका गया है। तो ये तमाम चीजें जिनकी वजह से या तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है या जिसकी वजह से जमीन को दिक्कतें हो सकती है, तो वो सारी चीजें फिलहाल रोकी गई है। अब जो एक्सपर्ट्स की टीम है, जिसमें सीबीआरआई के साइंटिस्ट है, जिसमें आईआईटी के साइंटिस्ट है, वाडिया के साइंटिस्ट है, आपदा प्रबंधन के साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं, ये तमाम लोग अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट भी देंगे और ये लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे कि अब इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि इस समय बड़ी चुनौतियां हैं कि आप इस चीज को रोक कैसे सकते हैं। अभी तक ये स्थिति ही नहीं क्लियर हो पाई कि इसका असली कारण क्या है। अब कुछ दिनों पहले आपदा सचिव कह रहे थे कि टनल की वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज उनके बयान पलट गया, अब वो कह रहे हैं टनल से भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब अधिकारियों को ये पता ही नहीं है कि आखिरकार इसका कॉज क्या है, तो ये बड़ी चिंता की बात है कि ऐसे में हम कैसे सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, और वही जानने के लिए मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं जिसमें अधिकारियों को अलग अलग टास्क भी दिए गए हैं। ठीक है सुरेंद्र, बने रहे। एक बार फिर से धीरेन्द्र का रुख करना चाहूंगी। धीरेन्द्र, देखिए, आप ग्राउंड जीरो पर, न्यूज स्ट्रीट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, आप तस्वीरों को काफी बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे, जो सिचुएशन लोगों को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है वही इस सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे। जरा ये बताइए कि जो प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे या जो सरकार की तरफ से मदद लोगों को पहुंचाई जा रही, क्या वो धरातल पर दिख रही है, क्या लोगों तक वो मदद पहुंच पा रही है? देखिए, अभी मदद के तौर पर सिर्फ उनका विस्थापन है, वो सिर्फ ऐसी जगह रखे गए हैं जहां उनको घर से हटाकर अलग अलग जगह पर एक एक रूम दिया गया है। ये अभी हमने जिस परिवार से बात की, उस परिवार में 6 बालिग लोग हैं, जिसमें से पति पत्नी हैं, उनके दो दो बेटे हैं और उनकी बहुएं हैं और साथ में बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ एक कमरा,
एक कमरे के अंदर आप उस हालात को कैसे महसूस करेंगे जिसमें कि ससुर जमीन पर सो रहे हैं, उनके बेटे बेटी अलग, उनके दामाद बेटे अलग सो रहे हैं, पत्नी उनकी अलग, उसी रूम के अंदर उनको रहना है, तो एक रूम के अंदर ये सब संभव नहीं है कि किस तरह से वो परिवार है, और उसके लिए कोई किचन की व्यवस्था नहीं, एक ही रूम के अंदर वही सारा सामान है, वही उनको सब काम करना है, उसी एक छोटे से, चूंकि ये रूम्स इस तरह नहीं बनाए थे, ये यात्री निवास की तरह है, तो यहाँ वो छोटा सा बाथरूम है, उसी के अंदर 6-7 लोगों को रहना है, तो ये तमाम लोगों के साथ है, चाहे आप एक परिवार की बात करें, चाहे आप जितने विस्थापित हो रहे हैं उनकी बात करें, और रोज ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कल 5 मकान को कहा गया कि वहां के लोगों को कि ये खतरनाक है, तो उनको यहां भेजा गया, लेकिन आज वो 20 परिवारों तक पहुंचा, तो उनको अचानक जाकर फिर इस तरह से, और ये जो संख्या सर्वे लगातार हो रहा है ये एक अच्छी बात है, ग्राउंड पर आपको सरकारी कर्मचारी जरूर दिख रहे हैं जो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास अभी नाकाफी है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, माइनस में टेम्परेचर होता जा रहा है, रात में ये टेम्परेचर -7 तक पहुंचता है, ऐसे में छोटे बच्चों के साथ परिवारों को बहुत दिक्कत है, अपने घरों में उन्होंने वो तमाम इंतजाम किए थे जिससे कि वो इस पूरी सर्दी का सामना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अलाव जलाकर या इस तरह से सब लोग इस सर्दी में बात करते हुए परिवार के लोग, ये तमाम लोग सिर्फ चूंकि एक कमरे के अंदर सोने के वक्त ही सोया जा सकता है, जब बहुत तेज नींद हो, क्योंकि उस कमरे के अंदर बैठना भी तमाम लोगों का मुश्किल है, तो हालात ये है कि प्रशासन एक कार्रवाई करते हुए दिख रहा है, लेकिन वो नाकाफी दिखाई दे रही है, इस वक्त नाकाफी दिखाई दे रही है, और आगे किस तरह से ये बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी नई दरारें आ रही हैं, जो नए घर इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको कहां रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो वो लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है इमरजेंसी में हम यहां पहुंच गए, लेकिन यहां इस हालात में कितने दिन आप रह सकते हैं, कि एक कमरे के अंदर एक पूरे परिवार के लोगों को किस तरह से रखा जा सकता है, तो ये स्थिति थोड़ा और खराब हो रही है, और ये वीरेंद्र जी देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और तस्वीरें आप धरातल पर देख पा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, बने रहे आप हमारे साथ। सुरेंद्र एक बार आपका रुख करना चाहूंगी, सीएम धामी भी जोशीमठ का दौरा करने वाले हैं, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी इससे लेकर सुरेंद्र? देखिए कल सुबह करीब 11:50 पर मुख्यमंत्री यहां से रवाना होंगे जोशीमठ के लिए। मुख्यमंत्री वहां दो से ढाई घंटे तमाम अधिकारियों से भी बात करेंगे और मौके पर हर इस जगह को जाकर देखेंगे। सुरेंद्र आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, सीएम धामी कल जोशीमठ के लिए रवाना होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11:55 जोशीमठ के लिए रवाना होंगे सीएम धामी, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे, और दोपहर 12:50 पर जोशीमठ पहुंचेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाते चले, बड़ी खबर जहां सीएम धामी कल जोशीमठ के लिए रवाना होंगे। और सुरेंद्र और धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए थे, इन तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज स्ट्रीट पर।